नमस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि विगत कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री के द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया। अब यहां पर यह प्रश्न अनिवार्य है कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए यह बात कही जा सकती है कि अगर विगत वर्षों के अगर हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर गौर करें तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करें और उसके अंतर्गत जिन जिन विषयों पर चर्चा की गई है उन विषयों से संबंधित अवधारणाओं पर भी हम गौर करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी देश की सरकार के द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज होता है, जिस दस्तावेज में किसी वित्तीय वर्ष में घटित विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर वर्णन किया जाता है, व्यापक स्तर पर उसकी समीक्षा की जाती है। उसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें संबंधित वित्तीय वर्ष में वैसे गैर आर्थिक कारकों पर भी गौर किया जाता है जो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि। भारत के संदर्भ में अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में, और 1950-51 से लेकर 1964 ईस्वी तक आर्थिक सर्वेक्षण को बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता रहा। परंतु 1964 के बाद से बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में प्रस्तुत किया जाता रहा और यह परंपरा आज तक जारी है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के भागों की हम बात करें तो 2015 से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण के केवल एक भाग प्रस्तुत होते थे, परंतु 2015 से आर्थिक सर्वेक्षण दो भागों में प्रस्तुत किया जाने लगा, जो कि हम देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम 1 और आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम 2। आखिर आर्थिक सर्वेक्षण का निर्माण कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का निर्माण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो विषय वस्तु होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण अपने कवर पेज के द्वारा भी कहीं ना कहीं संदेश देता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें 2017-18 का यह आर्थिक सर्वेक्षण है, और अगर इसके कवर पेज पर हम गौर करें तो यह पिंक कलर का है। आखिर इस पिंक कलर में आर्थिक सर्वेक्षण को लाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहां पर यह है कि लैंगिक समानता के प्रति समाज को जागरूक करना, साथ ही साथ जो लैंगिक हिंसा है उसके प्रति भी लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता को पैदा करना और उसको कम करने के प्रति समाज को जगाना। और अगर हम इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण पर हम गौर करें तो कवर पेज पर यह साफ और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह कोविड केंद्रित है। अब हम आते हैं इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण पर। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण भी पहले की तरह दो वॉल्यूम में है। आर्थिक सर्वेक्षण के कवर पेज की अगर हम बात करें, जो हमें यहां पर दिख रहा है, यह दिखा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण इस बार कोविड केंद्रित है। जहां पर यह देखिए कि यहां पर एक चक्र के रूप में लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि नर्स है, डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं। वहीं पर बीच में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ अर्थव्यवस्था की रिकवरी की जो चिन्ह है वो दिख रहे हैं, और वह शेप क्या है, वह शेप है वी शेप। साथ ही साथ कोरोना महामारी जो पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं हुई है, हाँ यह जरूर है कि कोरोना महामारी को लेकर जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, तो अभी भी कोरोना महामारी एक चुनौती के रूप में वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव दिखा रही है। तो अर्थ यहां पर यह है
कि फिर से मतलब कोरोना महामारी से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए वैश्विक समाज के समक्ष जहां रिस्क है, जोखिम है, और यह जोखिम किसके रूप में है, यह जीवन के स्वरूप में है, या स्वास्थ्य के स्वरूप में है, और यह अर्थव्यवस्था के स्वरूप में है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अवसर भी मौजूद है, और यह अवसर किस रूप में है, अवसर है नए वैक्सीन के निर्माण का। भारत के संदर्भ की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो आत्मनिर्भर आधारित अर्थव्यवस्था हो, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना मतलब अवसंरचना का निर्माण करना, यह भी भारत के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूं, और फिर आगे नए नए सुधारों को शामिल करना। इस वीडियो में जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम वन पर। वॉल्यूम वन में 10 चैप्टर हैं, तो हम एक एक चैप्टर पर देखेंगे कि आखिर उसमें किन किन विषय वस्तुओं को उजागर किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण के थीम पर। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का थीम? इस आर्थिक सर्वेक्षण का थीम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, मतलब कि ना केवल जीवन को सुरक्षित करना बल्कि जीवन को सुरक्षित करते हुए लोगों की आजीविका को भी सुनिश्चित करना। साथ ही साथ कोविड वॉरियर्स हैं, तो कोविड वॉरियर्स ने किस प्रकार से देश को, समाज को सुरक्षा दी है, यह भी इसका एक थीम है। और फिर जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की रिकवरी की बात की गई है, और यह रिकवरी किस रूप में है, वह रिकवरी है वी शेप में। मतलब ये कि कोविड महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगाए गए, उस लॉकडाउन के कारण आर्थिक क्रियाकलाप की गति निम्न होती चली गई, तो यह नीचे की ओर गया, और फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन के नियमों में सहजता सरलता दिखी, तो फिर आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी आई, तो फिर ये आर्थिक क्रियाकलाप ऊपर की ओर गया। तो ये है हमारा एक वी शेप्ड। और फिर अपॉर्चुनिटीज आउटवेड रिस्क, मतलब नए नए अवसरों को उत्पन्न करना ताकि कोविड महामारी के कारण जो जोखिम है, उस जोखिम को समाप्त किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अगर पहले चैप्टर की हम बात करें, तो पहला चैप्टर आधारित है महाभारत के शांति पर्व में दिए गए एक श्लोक पर। श्लोक है, आपदि प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमांकुरः। मतलब कि आपदा में जीव की प्राण रक्षा ही सबसे पहला धर्म है। और उसी श्लोक पर अगर हम पहले चैप्टर को हम देखें, तो हम इसमें भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और कोरोना महामारी से भारतीयों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों का अगर हम विश्लेषण करें, तो हम महाभारत के शांति पर्व के इस प्रथम श्लोक की छाप उसमें हम देखते हैं। और ठीक जो महाभारत के इस श्लोक में बात कही गई है, इसी का अनुसरण किया है हांसेन एंड सर्जेंट के एक रिसर्च ने, जिसे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस रिसर्च में यह बात कही गई है कि अगर अनसर्टेंटी या अनिश्चितता की एक बहुत बड़ी स्थिति हो, तो अनिश्चितता की इस बहुत बड़ी स्थिति में हमेशा से प्रयास यह होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा कि नीति ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि कम से कम नुकसान हो। और यह बात किसने कही? हांसेन एंड सर्जेंट के रिसर्च में, और इसी का अनुसरण सरकार के द्वारा किया भी गया है। इस कोरोना महामारी के समय में भारत सरकार की जो नीति रही है, वह नीति 1918 ईस्वी में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस स्पेनिश फ्लू के प्रसार को रोकने और उसके आर्थिक प्रभाव को कम करने से संबंधित जो नीति बनाई गई थी, उस नीति का ही अनुसरण किया है भारत सरकार ने। और महाभारत में जो श्लोक का वर्णन किया गया है, उस श्लोक की बात भी हमने यहां पर कर ली है। ओवरऑल आखिर नीति क्या बात कहेगी? नीति में यह बात कही जाएगी कि जो महामारी है, उस महामारी से संबंधित जो वक्र है, उस वक्र को समय के साथ साथ क्या किया जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए, और नए कोरोना महामारी के केस ना आए इसके उपाय किए जाने चाहिए। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में ना केवल जनसंख्या ज्यादा है, बल्कि
भारत में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। तो एक ऐसा देश जहां पर ना केवल उच्च जनसंख्या हो बल्कि उच्च जन घनत्व भी हो, वहां पर महामारी के प्रसार की संभावनाएं असीम हो जाती है। तो उसी को देखते हुए जब भारत में कोरोना महामारी के मामले पिछले साल मार्च महीने में बढ़ने शुरू हो गए तो सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण यह देखा गया कि ना केवल लाखों लोगों के जीवन को बचाया गया बल्कि समय रहते ही आर्थिक सुधार की गति भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अब जरा आप इस ग्राफ पर गौर कीजिए। यह जो ग्राफ हमें स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें यह दिखाया गया है कि क्या हो सकता था और क्या हुआ है, और यह क्या हो सकता था और क्या हुआ है यह दो आधारों पर है। एक कोरोना महामारी से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या की बात है, और दूसरा कि जो लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हुए उनके मौत से संबंधित है। जो हम यहां पर ग्रीन देख रहे हैं यह सकारात्मक है, मतलब यहां पर यह है कि इतने केसेस हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। और जब हम यहां पर यह जो ग्रीन देख रहे हैं इसका मतलब यहां पर यह है कि कोरोना महामारी से इतनी मौतें हो सकती थी लेकिन मौतें हुई नहीं। तो भारत को अगर हम यहां पर देखें तो भारत के संदर्भ हमें क्या दिख रहा है, एक सकारात्मक स्थिति देखी जा रही है। मतलब ये कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने से संबंधित जो नीतिगत उपाय किए गए उसके परिणाम की अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि लगभग 37 लाख लोगों की, जो 37 लाख लोग हैं वो कोरोना महामारी से संक्रमित नहीं हुए। इतना ही नहीं, अगर हम ऐसे लोग जो कोरोना महामारी से जिनकी मौतें हो सकती थी उस संदर्भ में भी भारत सरकार के नीतिगत उपायों के द्वारा 1 लाख लोगों के जीवन को बचाया जा सका है। वही इसी प्रकार का अध्ययन राज्यों के स्तर पर भी किया गया। तो राज्यों के स्तर पर जो आंकड़े हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें हम यह देखते हैं कि सकारात्मक मतलब ये कि इतने केसेस हो सकते थे लेकिन इतने केसेस नहीं हुए, तो उसमें हम सकारात्मक देखते हैं किसको, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार को। और अगर मौत की बात की जाए तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, कितनी मौतें हो सकती थी लेकिन लोगों को बचाया गया, उसमें हम सकारात्मक किसको देख रहे हैं, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। जबकि इन दोनों आधारों पर केस के मामले में भी और मृत्यु के मामले में भी अगर नकारात्मक अगर है किसी भी राज्य की स्थिति तो वह किसकी है, वह है महाराष्ट्र की। अब इस जरा ग्राफ को देखिए, यहां पर यह है कि विभिन्न राज्यों के प्रदर्शनों का यहां पर आकलन किया गया है कोरोना महामारी के संदर्भ में, मतलब कोरोना महामारी से संबंधित केस और कोरोना महामारी से संबंधित मृत्यु के संदर्भ में। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि इन दोनों आंकड़ों के ग्राफीय प्रदर्शन के लिए जो आधार बनाया गया है, जो सूचकांक बनाया गया है, जैसे उसका नाम है स्ट्रिंजेंसी ऑफ लॉकडाउन इंडेक्स, तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और उसे ठीक उसी प्रकार तैयार किया गया है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स है। इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स के द्वारा विभिन्न देशों में कोरोना महामारी के जो केस हैं और उससे जो होने वाले मामले हैं उससे संबंधित ग्राफ का प्रदर्शन किया जाता है। अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो उनका यह कहना है कि यह जो स्ट्रिंजेंसी ऑफ लॉकडाउन इंडेक्स का विकास किया गया है यह भविष्य में महामारी से संबंधित अध्ययन करने में भारत की काफी मदद करेगा। तो इन दोनों ग्राफों में यह बात देखी जा रही है क्या, वह यह कि कैसे एक मजबूत लॉकडाउन ने कोरोना महामारी के केस को बढ़ने से रोका, उसके साथ ही साथ यह भी देखा कि कैसे कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु भी कम हुई है। अब जरा यहां पर देखिए कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था में सुधार की अगर वी शेप की गति की हम बात करें, जो बार बार यह बात कही जा रही है कि कैसी शेप की है, वी शेप की गति है, तो वो भी इस ग्राफ से स्पष्ट होता है। वहां पर देखिए कैसे, एक देखिए कि यहां पर यह लॉकडाउन की स्थिति है और यह जो दूसरी स्थिति हमें देखने को मिल रही है यह जब लॉकडाउन को हटाया गया वह दूसरी स्थिति है। इन दोनों स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक
जो टोल कलेक्शन है उसे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब लॉकडाउन की अवधि थी तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो टोल कलेक्शन है उसमें हमें नकारात्मकता दिख रही है, ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई तो फिर हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ठीक यही इलेक्ट्रॉनिक जो टोल कलेक्शन है उसमें हमें सकारात्मकता दिख रही है, मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहां अगर दोनों को मिला लिया जाए तो ये क्या सेप दिखा रहा है, या वी सेप दिखा रहा है। ठीक यही स्थिति किसके संदर्भ में दिखाई जा रही है, ई वे बिल के संदर्भ में देखी जा रही है। जब लॉकडाउन लगा तो अंतरराज्य परिवहन की संख्या काफी घट गई, अंतरराज्य परिवहन की भी संख्या काफी घट गई। तो उसका असर यह देखा गया कि लॉकडाउन की इस अवधि में अगर ई वे बिल की वैल्यू की बात करें, कलेक्शन की बात करें, तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर अगर लॉकडाउन में जैसे से ढील दी गई तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर फिर एक हमें सकारात्मकता देखने को मिल रही है। तो लॉकडाउन ने कैसे आर्थिक विकास की गति को पटरी पर लाया, इसका हमने यहां पर एक एग्जाम्पल देखा। एक चीज हमें यहां पर याद रखनी है कि ओवरऑल कोरोना महामारी के मामले और कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या, इन दोनों आधारों की जो तुलना भारत और अन्य देशों के साथ और साथ ही साथ भारत में जो राज्य हैं उनके बीच जो तुलना करने की बात की जा रही है वह लॉकडाउन के आधार पर किया गया है। उसका जो कारण आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है वह यह बताया गया है कि ऐसा हो सकता है कि भारतीयों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विश्व के अन्य देशों के जो लोग हैं उनकी तुलना में ज्यादा हो, या यह भी हो सकता है कि भारतीयों का जो बड़े पैमाने पर BCG वैक्सीनेशन किया है उस BCG वैक्सीनेशन के कारण महामारी के प्रति भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो गई है। फिर यह भी हो सकता है कि अंतर्निहित रूप से हम जो भारतीय जिस पर्यावरण में रह रहे हैं तो उस पर्यावरण में रहने के कारण महामारी के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो गई हो, या लॉकडाउन के अलावा कोई भी अन्य बात। एक चीज यहां पर कॉमन है वह क्या है कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, इसलिए इस आधार को लिया गया है। और ठीक यही आधार लिया गया है विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के प्रसार, उससे होने वाली मौतों की तुलना के लिए, क्योंकि इसमें एक कॉमन चीज है वह क्या है, वह है लॉकडाउन की। तो यहां पर ओवरऑल हमने यहां पर क्या देखा है कि लॉकडाउन ने ना केवल कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में मदद की बल्कि कोरोना से होने वाली मौतें जो थी उसकी संख्या में भी कमी की, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में भी इस लॉकडाउन ने काफी मदद की है। अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि अगर इंटेंस लॉकडाउन, मतलब ये कि अगर जिस तरीके से मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगाया गया अगर वो ना भी लगता तो, देखिए क्या बात कही जा रही है, लोग अपनी सेफ्टी के लिए बाहर नहीं गए, उसके अलावा लोगों ने वैसी सेवाओं को स्वीकार नहीं किया जिसमें कि कांटेक्ट था, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव, वो किस संदर्भ में, वो इस संदर्भ में कि जब आकस्मिकता की स्थिति होती है या अनिश्चितता की स्थिति होती है तो लोग उस स्थिति में अपने पास जो उनके पैसे होते हैं उस पैसे को वो कम से कम खर्च करते हैं। तो खर्च की यहां पर जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो पूरे तरीके से क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उसमें क्या हो रही है, यहां पर कमी देखने को मिल रही है, मतलब ये कि लोग कम से कम खर्च करेंगे। और उसके बाद यहां पर ये है कि जब लोग कम से कम खर्च करेंगे तो बाजार में मांग नहीं देखने को मिलेगी। अगर बाजार में मांग देखने को नहीं मिलेगी तो फिर कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट या कोई अगला निवेश नहीं होगा, मतलब निवेश की जो प्रवृत्ति है उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या देखने को मिला है, कॉरपोरेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कमी होगी। लेकिन
यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि ठीक है, अगर इंटेंस लॉकडाउन ना लगता तो ऐसी चीजें हो सकती थी, लेकिन हमें यहां पर यह बात स्वीकार करनी होगी कि जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने सुनिश्चित किया क्या कि एक बेहतर समन्वय स्थापित किया। किसके साथ समन्वय स्थापित किया? लोगों की जीवन रक्षा से संबंधित, उससे समन्वय स्थापित किया, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के सुधार की गति को पटरी पर लाने के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। इसीलिए बार बार एक बात कही जा रही है, वह क्या है? वह है वी शेप्ड। आगे देखें इसको, कोरोना महामारी ने दोनों स्तरों पर बाजार को प्रभावित किया है, डिमांड के साइड पर भी और सप्लाई के साइड पर। डिमांड के साइड पर कैसे प्रभावित किया, जरा उस पर गौर करिए। इस ग्राफ में देखिए, यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना बैलेंस। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में हमें देखने को यह मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन का जो अकाउंट है, उस अकाउंट में औसतन 400 रुपए की जो डिपॉजिट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमें यह पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, उसमें 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो, अगर हम एक पिरामिड का निर्माण करें तो 40 करोड़ ये ऐसे लोग हैं जो आय के इस स्तर पर मौजूद हैं। और अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी आय अत्यंत ही निम्न है, मान लें उदाहरण के रूप में 1 रुपये, तो वह अपनी आय का ज्यादातर उपभोग पर खर्च करता है। मतलब 1 रुपये में वो ज्यादातर किस पे खर्च करेगा? 97 रुपये वह उपभोग पे खर्च करेगा, मतलब उसकी बचत कम होगी। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि बचत में वृद्धि हुई है। बचत में यह जो वृद्धि हुई है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे क्या होगा, आगे आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति कैसी होगी और अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, यह पूर्ण रूप से अनिश्चित है। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने खर्च करना कम कर दिया, यही कारण है कि यहां पर हमें बचत में वृद्धि देखने को मिली। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी यह जान चुकी थी उस समय कि लोग क्या करेंगे, कि वह अपनी आवश्यकताओं पर कम से कम खर्च करने का प्रयास करेंगे। और इस दौरान यह देखने को मिल सकता है कि समाज में वैसे लोग जो निचले पायदान पर रह रहे हैं, उनके सामने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता अत्यंत ही सीमित हो जाएगी। इसी को देखते हुए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग शामिल थे, उससे आगे बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया, और फिर 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा जो फ्री फूड दिया गया। फिर डिमांड बढ़ाने के लिए एमरजेंसी क्रेडिट और लिक्विडिटी मेजर्स बनाए गए, और साथ ही साथ फॉरबियरेंस का मतलब कि लोगों को वित्तीय रूप से राहत दी गई। जैसे एक उदाहरण है कि ईएमआई जो उस समय देना था, ईएमआई की जो अवधि थी उसको उन्होंने बढ़ा दी, मतलब कि कुछ समय तक के लिए ईएमआई नहीं देना है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि बाजार में डिमांड नहीं था। उस डिमांड की स्थिति में सरकार ने क्या देखा कि जब डिमांड नहीं है, लोग कम से कम खर्च कर रहे हैं, तो जो समाज के निचले तबके में रहने वाले लोग हैं या निचला जो तबका है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए। अब हम बात करते हैं सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड में देखिए क्या है। सप्लाई साइड के अंतर्गत यहां पर यह देखा गया कि सरकार के द्वारा एक क्रम से संरचनात्मक सुधार किए गए और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की गई, ताकि जो उत्पादन क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। यहां उत्पादन क्षमता की बात इसलिए कही जा रही है कि कोरोना महामारी के समय में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन के जो नियमों में ढील दी गई, ढील दिए जाने के बावजूद भी उत्पादन जो इकाइयां हैं वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ सरकार ने जो कई लेबर लॉज थे, उस लेबर लॉज के नियमों में सरकार के द्वारा ढील दी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में रिफॉर्म्स किए गए, सर्विस सेक्टर में बीपीओ में भी रिफॉर्म्स किए गए, उसके अलावा पावर, मिनरल सेक्टर, स्पेस और डिफेंस, इन क्षेत्रों में भी सरकार के द्वारा कई नीतिगत घोषणाएं की गई। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार के द्वारा स्ट्रेटजिक पीएसयूज पॉलिसीज अपनाई गई। स्ट्रेटजिक पीएसयूज पॉलिसीज का मतलब यहां पर यह है कि अगर सरकार को यह लगता है कि
कोई भी ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट या कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी जिसे निजी हाथों में सौंप देना उसकी लाभदायकता के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, तो सरकार स्ट्रेटजिक पीएसयूज पॉलिसीज के अंतर्गत उस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट कराती है, मतलब निजी हाथों में उसे सौंपती है। यहाँ पर स्ट्रेटजिक पीएसयूज पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, वह क्यों, वह ध्यान से सुनिएगा। वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद जब देश में पहली औद्योगिक नीति को तैयार किया जा रहा था तो उस समय के नीति निर्माताओं के दिमाग में यह बात चल रही थी कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को दशा और दिशा देने के लिए औद्योगिक क्रियाकलाप को सरकारी हाथों में रखना होता, और सरकार ने यह किया भी। 1991 के बाद फिर एक नई औद्योगिक नीति आई जिसमें डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लाया गया या विनिवेश की पॉलिसीज को लाया गया। और फिर अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेटजिक पीएसयूज पॉलिसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप की दशा और दिशा को तय करने में अब फिर से जो निजी क्षेत्र हैं उनकी भूमिका को और बेहतर किया जाना चाहिए। तो ओवरऑल हमने जो पहले चैप्टर की बात की, उस चैप्टर में जो क्रक्स निकल कर आता है, जो समरी है, वो समरी हमें यहां पर यह बताता है कि कोरोना महामारी सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई, वह जो नीति की प्रतिक्रिया थी वह काफी परिपक्व थी और दूरगामी थी। इसमें मुख्य रूप से ध्यान इस बात पर लगाया गया कि जो लोगों का जीवन है उस जीवन को बचाया जाना चाहिए। भले ही जीवन को बचाने में या जीवन की रक्षा करने में अल्पकाल के लिए आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है या कष्ट हो सकता है, लेकिन अगर इसके दीर्घकालिक परिणाम देखेंगे तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद कि लोगों के अगर जीवन की बात करें तो उसे एक बार ही बचाया जा सकता है, या यूं कहें कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जीडीपी को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है या वृद्धि दर को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा जोर दिया गया लोगों के जीवन पर। उसके बाद संरचनात्मक सुधार के लिए कई नीतिगत घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई। सरकार ने दोनों पक्षों पर, मतलब मांग पक्ष पर भी और पूर्ति पक्ष पर भी, डिमांड साइड पर भी और सप्लाई साइड पर भी, दोनों पर सरकार के द्वारा जोर दिया गया। और यह बार बार अंदेशा इस बात का उस समय लगाया जा रहा था कि सितंबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि सेकंड वेव आ जाए कोरोना का, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति और उसमें राज्य सरकार के द्वारा किया गया सहयोग। और इन सब में एक अच्छी बात यहां पर यह है कि सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जो कोरोना महामारी के प्रसार और कोरोना से होने वाली जो मौतें हैं उसमें काफी हद तक कमी करने में सफल हो। इस प्रकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को कब से लाया जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के कितने भाग होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के पहले चैप्टर में यह बताया गया है कि कैसे कोरोना महामारी को रोकने में और कोरोना महामारी से होने वाली मौतों को रोकने में भारत सरकार कितनी सफल रही है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।